अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं हूं आप लोगों का होस्ट आसिम और आप सीख रहे हैं फेसबुक इंस्ट्रीम कोर्स। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट हम किस लिए क्रिएट करेंगे? वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक अकाउंट तो हर एक बंदा बना सकता है, लेकिन बनाने के लिए आपके पास नंबर्स होने चाहिए, आपके पास ईमेल्स होने चाहिए। वो आपके पास पहले से मौजूद नहीं होंगे। आप अपने जो रियल नंबर्स होते हैं आप उसके ऊपर अकाउंट्स नहीं बना सकते। आप कितने अकाउंट्स बना सकते हैं? आप 4 बना लेंगे, 5 बना लेंगे, इससे ज़्यादा आप अकाउंट्स नहीं बना सकते। तो मैं आप लोगों को अनलिमिटेड अकाउंट्स बनाने की ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस के लिए आपने क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अलाउ पर क्लिक कर देना है, फिर अलाउ पर क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, समी समी हूँ यार, लिख लेता हूँ। चलो यही लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। याद रहे आपने डेट ऑफ बर्थ अपना 18+ रखना है। तो मैं यहाँ से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चेंज कर लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर देना है। मेल के ऊपर सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर साइन अप विद ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यूज़र एड्रेस के बाद उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना नीचे। यहाँ पर आपने अपने लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से। उसका नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ आप लोगों ने कैसे डाउनलोड करनी है। आप लोगों ने जल्दी जाना प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है सर्च बार के अंदर। यहाँ पर लिखना है आपने इंस्टाग्राम। सर्च कर लेना। सर्च करेंगे जैसे आपके सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगी, आप लोगों ने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर फर्स्ट के ऊपर ऑप्शन पे आ जाना है। आपने आने के बाद यहाँ पर इसको डेजिनेट एन एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपने यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने के बाद अपना नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, समी हूँ यार। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके नीचे आप दूसरी भी लगा सकते हैं, आप जो भी लगाना चाहें। मैं यहाँ पर से जो लगाऊंगा अपना तो ccmail.uk या कोई भी लगा लेते हैं। चलो ये लगा लेते हैं जो लगा हुआ है। ये लगाने के बाद आपने क्रिएट एन ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर आ जाना है। तो मैं यहाँ से अपना सर्च कर लेता हूँ पहले। कॉपी करना भूल गया था, आपने कॉपी कर लेना वहीं से। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो मैं इसको कॉपी ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लिया है। कॉपी कर लेने के बाद आपने अपने वापस अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। मैं कोई भी रैंडम से सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आके आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हो चुका है। आपने यहाँ पर सेव पासवर्ड या नोट डाउन के ऊपर क्लिक कर लेना है। मैं सेव पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कंफर्मेशन कोड जा रहा है। अभी मैं अपना कंफर्मेशन कोड जाके देखूंगा। आपने यहाँ पर ये जो मेल का बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर आप देख सकते हैं रेड आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये नीचे आप देख सकते हैं मेरा कोड आया है 54721। उसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपका अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने इसको सिंपली स्किप कर देना है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहीं से। उसके बाद आपने दोबारा फेसबुक ओपन कर लेनी है।
तो आप देख सकते हैं आपका फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, आपने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो आप लोगों ने इसको सिंपली यहाँ से इसका लोगआउट कर देना है। लोगआउट करने के बाद आप लोगों ने सेम प्रोसेस से आपने ऐसे ही इसी प्रोसेस से आपने अपनी आईडीज बनाते जाना है ये जब तक आपकी आईडीज पूरी ना हो जाएं। आपको कम से कम जो आईडीज है ना वो आपको 500 टू 1000 आईडीज आपके पास होनी चाहिए। और आप लोगों को इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी मैं अपनी आपकी अगली वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा आपको। आपको ज़ीरो से हीरो की तरफ लेके जाऊँगा, तो आप लोग मेरे साथ चलें, आपको मैं पूरा गाइड करूंगा। ये बेसिक के अंदर सिखा रहा हूं, आपको एडवांस लेवल पे भी अभी सिखाऊंगा। अभी पहले आप लोगों को मैं बेसिक लेवल से सिखा रहा हूं। तो आप लोगों ने ऐसे ही अपनी जो है ना बनाते रहना है आईडीज़ को। आईडीज़ बनाने के बाद आप लोगों ने कैसे इसको लॉगिन करना है, कहाँ पर लॉगिन करना है, और आप याद रहे ये जो आपने आईडीज़ क्रिएट करनी है, क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली इसको लॉगआउट कर देना है। लॉगआउट कर देने के बाद आपने मोबाइल से इसको रिमूव कर देना है, आपने मोबाइल के अंदर सेव नहीं रखना, मोबाइल के अंदर से आपने इसको रिमूव कर देना है। हो सके तो आपने अपना इसका फेसबुक को ओपन करना है, ऐप इन्फो के अंदर चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने स्टोरेज में चले जाना है, स्टोरेज में जाके आपने क्लियर स्टोरेज के ऊपर क्लिक करके इसका डाटा जो है वो क्लियर कर देना है। फिर उसके बाद आपने नई जो अपनी है एक बनाना है, फिर उसके बाद क्लियर स्टोरेज कर देना है, उसके बाद फिर से आपने बनाना है, फिर से क्लियर स्टोरेज कर देना है। जो आपने इसका ईमेल और पासवर्ड होगा वो आप लोगों ने अपना सेव कर लेना है। आपने हर आईडी का पासवर्ड वहाँ सेम रखना है ताकि आपको कोई जो पासवर्ड है वो भूले ना, आपकी कोई भी आईडी जो है वो इधर उधर ना हो। आपने सबका पासवर्ड सेम रख के आपने उसको अपने पास रख लेना है। तो आपने इसी तरह आईडीज़ को बनाते रहना है, और जैसे ही आपकी जो आईडीज़ हैं वो 20 डेज 10 डेज ऐसे ओल्ड हो जाएंगी तो आपने उनको जो है ना अपने जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाए आपने लॉगिन उसको करना शुरू कर देना है। लॉगिन आपने कैसे करना है वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि आपने कैसे लॉगिन करना है और किस जगह पे लॉगिन करना है और कैसे उनके साथ शेयरिंग करनी है। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।